मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं गुफ्तगू में एक बेहद खास मेहमान, एक ऐसी शख्सियत जिनको किसी भी दूर दूर से तारुफ की जरूरत नहीं है। जी हां, मैं बताऊंगा, मगर हो सकता है कि आप इनको चेहरे से शायद ना पहचान पाए, लेकिन जब मैं काम के बारे में बताऊंगा आप पट से कनेक्ट कर जाएंगे, तो आप दिल थाम के सुनिए यार। बट बिफोर दैट लेट मी वेलकम यू ऑल टू द हेपल स्टॉक शो। दिस अ यूनिक कॉन्सेप्ट designed by two very, very enterprising personalities who came together, who put their energies together, and they said, let us come in conversation with people who really inspire, and let us bring something. Har kisi ki ek khwahish hoti hai, ek stardust ya stardom kuch ghar mein hai, aaye kuch, ek lucky charm ghar pe aaye. To ye wo sunahra mauka hai doston, jahan pe wo lucky charm aapke shubh अफसर आपके शुभ घर पे आएगा। लेट्स बी इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर सुभाष सहगल। सर, जय हिंद सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर अस सर। जय हिंद। थैंक यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, उससे पहले मैं थोड़े बहुत, हालांकि जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सुभाष भाई को अब मैं जब बताऊंगा आप सब चौंक जाएंगे, अच्छा तो ये ही इज द मैन बिहाइंड जो काम आपने देखा है, सराहा है, पसंद किया है। He joined the Film and Television Institute of India, FTI को कहते हैं पुणे में, जो सर joined Film and Television Institute of India in 1971, and he learned, उस ज़माने में रील थी, तो कैंची से काटा करते थे, टक टक, तो सर ने वो क्राफ्ट तब वहां से सीखी, और बड़ी बड़ी पिक्चरें, टेलीविजन सीरियल्स, लाइक रामायण तो आप सबने देखी है, रामायण रमानंद सागर की कौन नहीं जानता, सर ने ही उसकी एडिटिंग करी है। अच्छा, इजाजत फिल्म, नसीरुद्दीन शाह, रेखा, अनुराधा पटेल, आप सबने सुनाया, मेरा कुछ सामान मुझे लौटा दो, मेरा कुछ, क्या है वो गाना, मशहूर गाना है ना वो, जी हाँ, सर ने उसकी एडिटिंग करी है। He joined the FTI to learn editing. He transformed into a wonderful filmmaker, a director, an ace director, a producer, a writer, जिन्होंने बड़ी 20 किताबें लिखी हैं दोस्तों, तो सर की किताब हैंड रिटन एंड सिग्नेचर ऑटोग्राफ आपके पास हो सकती है, एंड दैट विल बी वेरी लकी फॉर यू सर। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सर, ये बताइए, आप एफटीआई में आए, आपने क्राफ्ट सीखी, आप पास आउट हुए, और आप 50 साल से इंडस्ट्री में, आपने अपना नाम का 50 साल से, यू आर अ वेटरन, यू आर अ मास्टर क्राफ्टमैन ऑफ योर ट्रेड, आप ये बताइए एफटीआई के बाद का सफर आपका कैसा रहा सर? नमस्कार टू एवरीबॉडी। एफटीआई के बाद का सफर बहुत अच्छा रहा, और जो 2 साल एफटीआई में बिताए वो तो स्वर्ग का अनुभव था। वैसा माहौल, वैसा ब्रदरहुड, वैसा लर्निंग एक्सपीरियंस जिसको भी मिल जाए वो अपने आप को लेकर कंसिडर करें। और 50 साल डेफिनेटली हो गए हैं मुझे, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कल ही आया हूँ और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन। पढ़ा था मैंने आपके बारे में सर, आफ्टर हैविंग स्पेंड 50 ईयर्स इन इंडस्ट्री, आफ्टर हैविंग डन सो मच वर्क, यू स्टिल कंसिडर योरसेल्फ अ बिगिनर एंड अ लर्नर। सर, ये बहुत बड़ी खूबी है और ये आपका बड़प्पन है, क्या ये इसको मैं आपका बड़प्पन कहूंगा, और इस इज समथिंग व्हिच यू जेन्युइनली फील सर? आई जेन्युइनली फील, आई फील इवन नाउ आई 21 ईयर ओल्ड यंग बॉय जो इस इंडस्ट्री में आया है और बहुत कुछ करना चाहता है, मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैंने एक ड्रॉप भी डाली है इतने बड़े ओशन में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत मेमथ इंडस्ट्री है और यहाँ पे जो एक आदमी जुड़ जाता है उसको यहाँ पे वेलकम मिल जाता है, तो उसके लिए फिर लाइफ जो है मीनिंगफुल हो जाती है, स्टार्ट्स एंजॉयिंग दैट। ये है कि इट्स लिटिल अर्ली, बट बिफोर आई गेट इट टू एनीथिंग, आई वुड लाइक टू रिसाइट अ पोएम ऑफ माइन अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने जो कंट्रीब्यूट किया है हमारे भारतवर्ष के कल्चर में। तो अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो पोएम पढ़ दूं। प्लीज सर, तो मैं शुरू करता हूँ। संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक मित्र हूं। संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक मित्र हूं मैं, भारतीय चलचित्र हूं। हाँ हाँ, मैं भारतीय चलचित्र हूं। मैं देश की दशा एवं दिशा, मैं देश की दशा एवं दिशा दोनों दर्शाता हूं। मैं देश की संस्कृति से परिचय कराता हूं।
फिल्मों के थ्रू हमारे देश की संस्कृति का परिचय होता ही है, तो मैं देश की संस्कृति से परिचय कराता हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, हाँ हाँ मैं भारतीय चलचित्र हूं। मैं आध्यात्म विज्ञान जैसे विषयों में भी डुबकी लगाता हूं, मैं आध्यात्म विज्ञान जैसे विषयों में भी डुबकी लगाता हूं, हिंदू धर्म का तो मैं परम ज्ञानी कहलाता हूं, मैं हर मनोरंजन प्रेमी का मित्र हूं, हाँ हाँ मैं भारतीय चलचित्र हूं, मैं भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों का मेल कराता हूं, मैं भिन्न भिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों को सम्मान दिलाता हूं, मैं समस्त भारत पर छिड़का हुआ एक इत्र हूं, मैं समस्त भारत पर छिड़का हुआ एक इत्र हूं, हाँ मैं भारतीय चलचित्र हूं, मैं धर्म की सीमाओं में नहीं बनता, मैं भाषाओं की सीमाओं में भी नहीं बनता, मैं धर्म की सीमाओं में नहीं बनता, मैं भाषाओं की सीमाओं में नहीं बनता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर किसी के हृदय में हूं बसता, मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूं, हाँ मैं भारतीय चलचित्र हूं, मैं भिन्न भिन्न सभ्यताओं का संगम करवा मैं भिन्न भिन्न सभ्यताओं का संगम करवाता हूं, मैं भिन्न भिन्न सभ्यताओं का दर्पण दिखलाता हूं, मैं भाषाओं की भाषाओं से मित्रता करवाता हूं, मैं देश के अंदर सौहार्द फैलाता हूं, मित्रता फैलाता हूं, मैं देश विदेश में भारतीय सभ्यता फैलाता हूं, मैं भारतीय सभ्यता का राजदूत कहलाता हूं, मैं भारतीय चलचित्र हूं, हाँ मैं भारतीय चलचित्र हूं, हाँ हाँ मैं भारतीय चलचित्र। वाह सर वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, मतलब जबरदस्त सर, बहुत सोच के लिखी है और बहुत गंभीरता से लिखी है, एंड इट इज सो एप्ट, इट इज सो एप्ट। यस यस सर, यू हैव ऑलवेज हैड अ फ्लेयर फॉर राइटिंग बचपन से ही, फिल्म मेकिंग का तो हमको मालूम है यार, फिल्म मेकिंग एडिटिंग एंड आप प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, मगर राइटिंग के बारे में बताइए सर, आपको बचपन से राइटिंग का? मुझे शौक तो था, लेकिन वो जैसे होते ना छुटपुट छुटपुट शौक जो है वैसा था, बीच बीच में कभी पोयम लिखती, कभी स्टेज पे आके डिबेट्स में आ गए, कभी इस तरह की चीजें करता रहता था, लेकिन कम, इट वॉज जस्ट अ ड्रॉप इन ओशन। और एक बार जब मैंने फिल्म एडिटिंग सीखना शुरू कर दिया तो, और प्रोफेशनली एडिटर बन गया, तो यकीन मानिए मेरे पास वक्त नहीं था, मुझे 24 घंटे भी लगता था कम है, मैं इतना बिजी था कि 73 में मैंने अपनी यात्रा शुरू की एज एडिटर, उसके बाद में राइटर भी बना, डायरेक्टर भी बना, लेकिन उस पीरियड में मैं पोएम्स नहीं लिखता। तो फिर 2000 समझे अराउंड 15 में मैंने क्रिएटिवली पोएट्री लिखना फिर शुरू किया, और 2015 से लेकर अभी तक मैं करीब 2500-3000 पोएम्स लिख चुका हूँ। सर आपने इजाजत में काम किया, इजाजत में आपके फेलो स्टूडेंट एफटीआई के नसीरुद्दीन शाह साहब भी थे, तो आप नसीर साहब के साथ उनसे शायद एक या दो साल सीनियर होंगे मेरे ख्याल से आप। हाँ, नसीर जूनियर है मेरे से, वो जूनियर है आपके? हाँ, वो तो आप उनसे एक या दो साल सीनियर होंगे मेरे ख्याल से आप। आई थिंक 4 years सीनियर, वो हमारा इंस्टीट्यूट का जो ब्रदरहुड है ना, वो इतनी खींचती है चुंबक की तरह से, ये 2-4-5 साल के बाद आपका मन करता ही है वहां जाने के। सर ये बताइए, अभी जो आपके पास किताबें हैं, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, अभी आपके आजू बाजू आसपास में कुछ किताबें हैं सर जो आपने लिखी हैं? यहाँ है कुछ कुछ, तो है, आप प्लीज सर दिखाने की हिम्मत करेंगे थोड़ी बहुत यहाँ पे, इफ यू कैन। हाँ जी, ये देखिए, ये पहली किताब ये है, कैन यू सी इट, मेरे खेत में कविता हो गई, देखिए। यस, मेरे खेत में कविता हो गई, वाओ ये है काव्य कोश मेरा, ये है अभी 20 किताबें हैं, तो कहीं पे एक जगह उसको एक देने के लिए, आइडेंटिटी देने के लिए उसको काव्य कोश या काव्य मंथन में नीचे लिखता हूँ।
और ये काव्य कोश ही है, मतलब इसमें कविताएं हैं सर, इसके इसमें कविताएं हैं। या अभी ये देखिए बड़ा अजीब सा नाम है, शब्दों की कढ़ाई से। अजीब सा नाम नहीं है, बड़ा अच्छा नाम है ये, बड़ा अच्छा नाम है। ये है इनके, बिकॉज मैं गुलजार साहब के साथ बहुत काम किया है तो थोड़ा सा उस टाइप में भी मैं टाइटल्स रखता हूँ। ये है इट्स टिंके नॉट टिंकल, पहले तो मेरी नजर गई। ये है एक कदम एक कलम चली। दिस इज एक कलम चली, दिस इज टाइटल जिज्ञासा। ये मेरी बड़ी बेटी का नाम है तो मैंने एक बुक उनके नाम पे पब्लिश की। Wow. And this handsome couple is your son-in-law and your daughter, is it? Yeah. एक बुक मेरी पब्लिश हो रही है जो मेरे उसका टाइटल मैंने रखा है मानवी के मन के, वो मेरी छोटी बेटी के नाम पे, तो वो अभी पब्लिश हुई नहीं है तो आई कांट शो यू दैट। Understood. And sir, हमें दर्शक जानना चाहेंगे, दे विल बी क्यूरियस टू सी, अगर किसी इनमें से भी आपने कहीं पे सिग्नेचर लिखा हुआ है या ऑटोग्राफ की हुई है, दे वुड लाइक लव टू सी योर हैंडराइटिंग। एक ऐसे वो तो मैं अभी लिख के आपको दे देता हूँ, दिखा देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये आई गिफ्ट अवे दीज बुक्स टू माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो आते हैं घर में, तो उसी टाइम साइन करता हूँ और उसी टाइम उन्हें दे देता हूँ। प्लीज सर, एंड हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार करेंगे देखने के लिए कि ऐसे महाकवि लेखक उनकी हैंडराइटिंग कैसी है। सो आई होप यू आर नॉट राइटिंग अंडर प्रेशर सर। भाई हैंडराइटिंग तो बड़ी ग्रेट नहीं है, पर मैंने साइन कर दिया है, आप देख लीजिए। वाओ 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 एक्चुअली ब्लेम द नेटवर्क और द लाइटिंग। सुभाष सहगल ऊपर क्या लिखा है आपके, आपने उसके ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है सास ने विद लव। ओके स्नेह विद लव, ऑलराइट। और सर हमारे एक कोई दर्शक अगर ये अर्न करते हैं ये किताब, हाँ जी, सो अगर आप से हल्की जहमत और चाहूंगा, आप उनका नाम जिसे बिल्कुल उनका नाम है सुदीप, तो फर्ज करिए सुदीप, तो यू कैन राइट टू राइट हिज नेम एज वेल, राइट? सुदीप तो का तो ऑलरेडी मैंने दो बुक्स दी हैं साइन करके। नहीं वो तो मैं तो ऐसी एक एक फिक्टिशियस नेम लेके बात कर रहा था। फर्ज करिए अगर ऐसा कोई नाम है, या अली नाम है, या कोई भी नाम है, या ऋतु नाम है, जो भी। Sir, it's been such an honor and a wonderful and a pleasure being in conversation with you, sir. And I know you are busy. Sir, एक बात और मेरे को जाननी है, sir. I am sorry, I might end up embarrassing you, but please forgive me because of the FTI connect. मैं आपका super super junior हूँ ऐसे FTI से. Sir, इतना शानदार घर आपके पीछे, माशाल्लाह. Since like after your hard work, 50 years of hard work in the film industry. No, it is by combined hard work into this industry. This industry has given me a lot. पहला तो ये है कि mental satisfaction बहुत दिया है, दूसरा ये है कि name and fame दिया है, तीसरा एक लाइफ का purpose दिया है कि भाई purposeless life पे ही है, और फिर सुख साधन भी दिए हैं इसी इंडस्ट्री में। और मैं अगर इस इंडस्ट्री से बाहर कुछ करने जाता हूँ तो मैं फ्लॉप हो जाता हूँ, यही तो सब कुछ होता है। So what I meant to say was actually it looks so beautiful. It looked like an edited job. Like, you know, it's too good to be true. It was my way of giving you a compliment, actually, sir. Thank you so much. Thank you, Amali Bakht Nikal. Truly, truly grateful to you, sir. Thank you very much, sir. I really enjoyed speaking to you, sir. Jai Hind, sir. Thank you. Jai Hind.